हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की ईवीएस की वर्कशीट करेंगे, जो कि वर्कशीट नंबर 126B है, 6 दिसंबर की। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी पक्षियों को चलते हुए, उड़ते हुए, अपनी गर्दन को घुमाते हुए देखा? पक्षियों के शरीर की सभी बातें खास होती हैं। किसी के पंजे मजबूत होते हैं तो किसी की गर्दन, तो किसी के पैर उन्हें तेज भागने में मदद करते हैं। सभी पक्षियों के रंग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन अधिकतर पक्षी 3 रंग में पाए जाते हैं: काला यानी ब्लैक, स्लेटी यानी ग्रे, और भूरा यानी ब्राउन। तो बच्चों, कुछ पक्षियों के चित्र आपको दिए गए हैं, अब इन पक्षियों की आवाजों को पहचाने। कोयल, कोयल की आवाज निकालती है, कोयल निकालती है कुहू कुहू, मुर्गी कुकड़ू कू, मोर पीहू पीहू, कुआ काव काव, कबूतर गुटर गु। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है बच्चों, कुछ पक्षी अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं। ऐसे ही कुछ पक्षियों के चित्र नीचे दिए गए, हर पक्षी की उसकी विशेषता के साथ चित्र मिलाए। पक्षियां बत्तख, उल्लू, शुतुरमुर्ग, तोता, गिद्ध। बत्तख किस लिए काम आता है? बत्तख चलने के लिए जाना जाता है। उल्लू गर्दन घुमाने के लिए जाना जाता है। शुतुरमुर्ग तेज भागने के लिए जाना जाता है। तोता मानव आवाज की नकल के लिए, और गिद्ध ऊंचा उड़ने के लिए। अब कुछ पक्षियों के नाम नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप सभी को इन्हें करना है। काला, भूरा, स्लेटी, 3 रंग के ज्यादातर हमारे होते हैं। तो जो स्लेटी कलर के हैं उनको मैं कलर नहीं कर रहा, काले में हम काला निशान लगाएंगे। तो पहले काले निशान, काला कौन कौन है? पहले स्लेटी काला देख लेते हैं, भूरा देखते हैं। गौरैया भूरी होती है आप लोगों की? हाँ, गौरैया का वाला बॉक्स जो है वो भूरा भरेंगे। तो भूरा हमारा बस एक ही जानवर है, और जो बाज है ये भी भूरा होता है। तो ये दो हमारे भूरे हैं। अब काला कौन है? काला कौन होता है बच्चों? जो काला होता है वो आपको होता है कौआ, काला कौआ। जान आप लोग काला कौआ कहते हैं ना। अब अगला हमारे स्लेटी है, कबूतर और बत्तख, इसीलिए हम इनमें कुछ भी कलर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।